उद्गीत प्राणायाम ओम चैंटिंग यह उद्गीत प्राणायाम ओम चैंटिंग ना कि आपके शारीरिक लाभ मिलता है, क्योंकि हम पद्मासन में हैं जहाँ कि हमारे क्रॉस लेग है, ध्यानात्मक आसन है जो कंसंट्रेशन में मदद कर रहे हैं। हमारे लोअर बॉडी पार्ट जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, प्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इन सबों में एक मसाज तो मिल ही रहा है। इसके साथ ही हमारे घुटने फुल बेंड हैं, मुड़े हुए हैं, यहाँ भी हमें फ़ायदा मिल रहा। हमारे एंकल्स पर पूरा दबाव आ रहे हैं जिसके कारण यहाँ के भी मसाज ब्लड सर्कुलेशन हो रहे हैं, तो हमारे लोअर पार्ट फुल्ली एक्टिवेटेड हैं। और यह क्रॉस लेग है इसके कारण हमारे ब्लड सर्कुलेशन रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। इसकी वजह से हमारे लोअर बॉडी पार्ट जो कि ट्रंक पार्ट का है, यहाँ ब्लड ज़्यादा आ जाता है, सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं, जहाँ की इन सारे ऑर्गन्स विशेषकर डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के एक अच्छा मसाज मिलता है, जिससे कि इन दोनों की तंदुरुस्ती स्वास्थ्य बढ़ जाती है। और चूंकि हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं एक ब्रेथ के साथ सिंक्रोनाइजेशन के साथ, यानी कि प्राणायाम का हिस्सा भी इसमें शामिल हो रहा है। लॉन्ग इनहेल कर फिर हम धीरे धीरे ओम चैंटिंग के साथ एक्सहेल कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे लंग्स के भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, उनकी भी कैपेसिटी बढ़ रही है। जब हम सांस लेते हैं तो अपने एब्डोमिनल पार्ट को बढ़ाते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो रिब केज को भी स्क्वीज करते हैं। इस तरह से हमारे लंग्स शामिल हो गए, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं हमारे हर्ट को, यानी कि कंप्लीट बॉडी में हमारे एयर सर्कुलेशन, जो ब्लड हैं न्यूट्रिएंट्स रिच, ये ज़्यादा पहुँच रहे हैं। और हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं उन परमात्मा को याद करते हुए, यानी कि आभार प्रकट कर रहे हैं, हमें जो भी मिला है उसके लिए धन्यवाद प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं हमें आरोग्य रखने के लिए। तो इसके लिए आध्यात्मिक लाभ मिलता है, यानी कि उद्गीत प्राणायाम अपने आप में ऑल इन वन है। तो अगर आप इसका 8 बार भी, 16 बार भी, यानी कि अपने डेली योगा रिजाइम का अंत अगर आप करते हैं उद्गीत प्राणायाम से, तो आपको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, जो कि यानी कि सब कुछ चाहिए आपको, ये सब कुछ की तंदुरुस्ती देता है। और वास्तविक आनंद कहाँ मिलता है? जब हम शरीर से आरोग्य हों, मन से स्वस्थ हों, और हमारी आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार करते हो, इन्हीं तीनों का जब सामंजस्य हो जाता है, तब वह आनंद की स्थिति होती है। और उस आनंद की स्थिति में पहुँचाने के लिए इस उद्गीत प्राणायाम का उपयोग किया जाता है, जो कि आपके ध्यान के लिए भी यह आगे चलकर मदद करेगा। तो आइए फिर से हम ओम चैंटिंग करते हैं। यहाँ आपको हाथ रखना है इस तरह से, लॉन्ग इनहेल करके
यहाँ जब वो अपनी अंगुलियों को रखते हैं तो इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों को इस तरह से रखते हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं, जो कि हमारी कंसंट्रेशन को भी बढ़ाने में मदद करता है। और जब हम सांस ले रहे हैं तो उन परमात्मा को भी याद करते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि आपके संपूर्ण शरीर की आरोग्यता यह उद्गीत प्राणायाम अकेला सुनिश्चित करती है। आप सब आरोग्य रहें, इसी तरह से खुश रहें और अपने चेहरे पर सदैव स्माइल बनाए रखें। एक छोटी सी मुस्कुराहट ऑलवेज बना के रखिए, जस्ट आदत डालिए। आज से ही, जिस दिन से आज वीडियो आप देख रहे हैं, जस्ट अपने आप को रिमाइंड करते रहिए कि हमें मुस्कुराहट रखना है, अपने चेहरा में प्रसन्न चित्त मुद्रा रहना है। जब आप मुस्कुराहट स्वयं रखेंगे तो आपको बाहर मुस्कुराहट ढूंढने की, खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप खुद सीख लेंगे। खुश रहना एक स्किल है, यह कोई गिफ्ट नहीं है, यह कोई प्राप्त करने की चीज़ नहीं, ये खुद अपने आप को आप ट्रेन कीजिए। और यह खुश रहने की कला, एक महज फेस पर मुस्कुराहट रखिए। आप जब भी रहिए, जब भी आपको याद आ जाता है, जस्ट एक मुस्कुराहट अपने फेस पर बियर कीजिए। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका जीवन आनंदमय हो, चेहरे पर मुस्कुराहट सदैव बनी रहे, इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं नरेंद्र कुमार लिविंग हैप्पीली में फिर मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। आप अपनी बहुमूल्य समय हमारे साथ देते हैं, इसके लिए हृदय की गहराई से नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट की ओर से धन्यवाद।